प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं सत्य प्रकाश जयपुर से। मुझे कुछ दृश्य दिखाई दिए थे छड़ी जो इस प्रकार है। हाँ, बोलिए। सबसे पहले तो मुझे प्रातः काल का लाल रंग की लालिमा युक्त आकाश दिखाई दिया जी। उसके बाद दो आंखें दिखाई दी जी। उसके बाद एक आंख दिखाई दी जी। उसके बाद समाधि अवस्था में शिव दिखाई दिए। उसके पश्चात पूर्ण खिलता हुआ कमल दिखाई दिया। अच्छी बात है। फिर मधुमक्खियों का काफी सारा ग्रुप उड़ता हुआ दिखाई दिया। मुसीबत खड़ी कर देगा जिंदगी में। एक श्वेत रंग का कबूतर उड़ता हुआ दिखाई दिया और उड़ियन बंद लगा था मेरे को दो बार। अच्छी बात है। एक बुरा अनुभव भी आया। लेकिन ऐसा बताना कि यहाँ साधकाएं बैठी हैं, ठीक है? हाँ, बुरा अनुभव ये था कि बाहर की तरफ कुछ जो पानी के कैंपर रखे हुए हैं वहाँ कई सारे साधक पानी पी रहे थे। मैंने भी एक गिलास जल का लिया और पी गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको अनुभव ढेर सारे आए, अच्छी बात है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हिमांशु इटावा, उत्तर प्रदेश जी। गुरुजी, मेरे को एक अनुभव आया बहुत अच्छा, जो कैलाश पर्वत नज़र आ रहा है और आधा आसमान नज़र आ रहा है, नीला आधा कैलाश पर्वत की चोटी नज़र आ रही है, पूरा कैलाश पर्वत नज़र नहीं आ रहा जी। और उस पर अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दे रहे हैं शिव जी, और बट लेकिन वो धुंधला धुंधला है, मतलब बहुत ज़्यादा, और लेकिन उनका जो त्रिशूल है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। ये आए कुछ क्षण के लिए। और उसके बाद एक अनुभव आया कि जिसमें सुबह हो रही है और पक्षी कुछ हैं काले रंग के, वो सारे उड़ गए। दोबारा बोलने। सूरज उग रहा है। अच्छा। उजाला हो रहा है। हाँ। और जो सुबह के टाइम पक्षी उड़ जाते हैं, हाँ, वैसे सारे पक्षी उड़ गए। उड़ गए। हाँ जी, हाँ जी। और एक और अनुभव था जिसमें तालाब दिखाई दिया, उसमें पानी भरा हुआ है पूरा जी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, और वो पानी धीरे धीरे जो है थोड़ी देर बाद, दो तीन सेकंड बाद पूरा पानी सूख जाता है वहाँ पे। जी, आप क्या करते हैं? मैं नौकरी भी करता हूँ एक, और बाकी और कुछ नहीं करता, साधना करता हूँ जी। ठीक। गुरुदेव को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं पलवल हरियाणा से हूँ जी। गुरुदेव, कल जब आपने शक्तिपात किया था उसके बाद मेरा सिर काफ़ी भारी हो गया था, और कुछ समय बाद अभी तक भी जैसे चीटी रेंगती है ऐसा महसूस कर रहा हूँ। पीछे नाभि क्षेत्र के यहाँ पे भी, पीठ में भी ऐसे महसूस कर रहा हूँ, और गुरुदेव मेरा ध्यान बहुत अच्छे लगने लगा कल से। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम प्रदीप जैन है, मैं सूरत से हूँ जी। जब आप शक्तिपात किया तब मेरे को एकदम प्रकाश पुंज की तरह पूरा प्रकाशित हो गया नीचे तक मैं जी, और जो अंधेरा था एकदम छट गया। जो पहले मैं आँख बंद करता था अंधेरा दिखता था, अभी सब प्रकाश में ही दिख रहा है मुझे, और मेरा मन निर्मल हो गया, और मैं अपने आप को मतलब बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। और जो मुझे अनुभव हुआ है वो मेरा को ऐसा अनुभव हुआ है कि मेरी अर्थी मेरे सामने रखी है। क्या? मेरी अर्थी, मेरा शव मेरे सामने रखा है। अनुभव का अर्थ बहुत अच्छा है, धन्यवाद। प्रणाम गुरु। प्रणाम। मैं अनिल कुमार योगी, अलवर राजस्थान से जी। गुरु जी, मेरे को शक्तिपात के बाद में एक छोटा सा अनुभव आया था। सफेद बादलों की जैसी परत थी, उसमें दो तीन परत पार करके मैं बाहर निकला तो नीला आकाश था। नीले आकाश में दो कमल के फूल थे, उनमें एक में शंकर भगवान खड़े थे, एक में माँ पार्वती खड़ी थी। शंकर वाले में एक नीचे की परत के अंदर दो तीन पंखुड़ियाँ उस फूल से दूर हो रही थी। जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.